ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, हमारे शरीर में यदि फेफड़े स्वस्थ रहें तो मनुष्य स्वस्थ रहता है, लेकिन यदि फेफड़ों में कोई समस्या आ जाए तो मनुष्य बहुत जल्दी रोगी हो जाता है। और आज जो कोरोना काल चल रहा है उसमें फेफड़ों में जाम बहुत जल्दी हो जाता है, और ऐसी स्थिति में एक रोग जो निमोनिया के नाम से जाना जाता है वो कई बार लोगों को लग जाता है। और मित्रों, आज इस वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं, निमोनिया क्या है, और जिन लोगों को बार बार निमोनिया हो रहा है और कभी कभी तो स्थिति ऐसी बन जाती है कि निमोनिया की दवा खाते खाते गर्मी बढ़ जाती है और गर्मी को शांत करने जाओ तो निमोनिया बढ़ जाता है, तो हम उस पर भी यदि आप हमारे निर्देशों का पालन करेंगे तो समाधान हो जाएगा। उसके अलावा निमोनिया के लक्षण क्या हैं, इसके कारण क्या, इसका समाधान आप घरेलू चिकित्सा से, होम रेमेडीज से, और साथ ही प्राणायाम व्यायाम आपको क्या करना है, क्योंकि यदि आप पूरे निर्देशों को ध्यान से सुन के पूरा पालन करेंगे ना मित्रों, तो हम आपको 100% कह सकते हैं कि एक हफ्ते में आपका जो रोग है उसके लक्षण आपको 50% रिमूव हो जाएंगे। और यदि आप ठीक करना चाहें तो महीने से 1.5 महीने का समय लगेगा, आप अपने निमोनिया से पूरी तरह से बाहर आ सकते हैं, वो भी किसी बाहर की दवा के, आप घर में ही अपना समाधान बिना खर्चे के कर सकते हैं। तो आशा है इस वीडियो के प्रत्येक निर्देश को आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, फॉलो करेंगे और अपने आप को ठीक भी करेंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी खुद को ठीक करने की स्वयं बनती है यदि हम इसकी जिम्मेदारी, क्योंकि हम गलतियां खुद करते हैं और जिम्मेदारी हम दवाओं पे और डॉक्टरों पे डाल देते हैं, जिसके कारण से हम कई बार जल्दी ठीक नहीं हो पाते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले आपको बता दूं निमोनिया होता क्या है। मित्रों, हमारा जो शरीर है उसमें जो फेफड़े होते हैं ना, फेफड़ों में हमारी बहुत पतली पतली शिराएं होती जो बालों से भी पतली होती हैं, तो और उस छोटे छोटे उत्तक यानी कि टिश्यूज होते हैं उनमें यदि कोई द्रव, कफ या पश, मवाद जैसी चीज़ें भर जाती हैं जो अंदर पैदा होती हैं, सफाई नहीं हो पाती है, बस उसी स्थिति में निमोनिया पैदा हो जाता है। इसी के संक्रमण को निमोनिया कहते हैं। माइक्रोप्लाज्मा सिमोन निमोन करके एक जो बैक्टीरिया होता है उसमें पनप जाता है, जिसके कारण से समस्या खड़ी हो जाती है। तो मित्रों, अब हम इस विषय पर थोड़ी विस्तार से चर्चा करें, पहले लक्षणों पर चर्चा करेंगे ताकि आपको स्पष्ट हो सके कि हाँ ये निमोनिया है और इसका हमें समाधान करना है। तो सबसे पहले आपको बता दूं मित्रों, इसमें फ्लू की तरह कभी कभी धीरे और तेज लक्षण दिखते हैं, और मोस्टली जो इसमें बड़ा लक्षण माना जाता है वो है कि मुख से बलगम आता है, खांसी आती है, और बलगम बहुत ज़्यादा हो जाता है, खांसी के तरह से निकलता रहता है और कभी कभी तो अटका भी रहता है। उसके अलावा कमजोरी होती है, थकान होती है, पसीना आता है, और साथ में कपकपी भी होती है, और सांस लेने में समस्या होती है, तो सीने में दर्द होता है, सांस तेज भी चलती है, और कभी कभी बेचैनी, घबराहट, क्योंकि जब सांस नहीं चलती है तो बेचैनी, घबराहट, ये जो कंडीशन बन जाती है वो ऐसी स्थिति में कई बार बहुत ज़्यादा बन जाती है, तो ऐसी स्थिति बन जाती है। अब जब ये जो रोग है मित्रों, इसमें कफ भराव होता है, तो कफ के जो रोग होते हैं ना उसमें अक्सर भूख नहीं लगती है, तो भूख की कमी हो जाती है, जिसके कारण से आंखों के आगे अंधेरा भी छाने लग जाता है, कमजोरी इस कारण से भी हो जाती है, और साथ ही किसी को हल्का, किसी को तेज, किसी को कभी कभी, किसी को रेगुलर बुखार की स्थिति बन जाती है, किसी का सर गर्म रहता है, किसी के यही हिस्सा गर्म रहता है, तो ऐसी स्थिति में बुखार की स्थिति बन जाती है। और ये समस्या छोटे बच्चों को हो जाए तो उनको बार बार बुखार आता है, पसीना था, कपकपी होती है, खांसी, भूख ना लगना जैसी समस्या उनके साथ भी होती है। और एक बात और बता दूं, यदि ये लंबे समय चल जाए तो उलझन यानी कि मति भ्रम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कमज़ोर शरीर इतना हो जाता है कि कई बार निर्णय नहीं ले पाते, उलझन बहुत ज़्यादा होती है, और साथ ही लो बीपी की समस्या, क्योंकि शरीर ठंडा भी रह जाता है तो लो बीपी की समस्या भी कई बार इस स्थिति में बन जाती है। अब मित्रों, जो ये निमोनिया है इसको 5 प्रकार का कहा जाता है। पहला बैक्टीरियल निमोनिया, दूसरा वायरल निमोनिया, तीसरा माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया, निमोन से होने वाला निमोनिया, उसके अलावा एस्पिरेशन निमोनिया, और उसके बाद फंगल इन्फेक्शन जिससे जो होता है वो भी माना जाता है। अब मित्रों, ये जो है, अब आपको एक बात और बता दूं, निमोनिया की एक विशेष चीज़ है कि यदि आप इसकी रिपोर्ट निकालते हैं तो रिपोर्ट में कभी भी आपको ये कौन सा निमोनिया वो क्लियर नहीं होता है, इसलिए आप ये मत सोचिए कि कौन सा निमोनिया में क्या कर रहे हैं, आपको निमोनिया का समाधान कर रहे हैं। भले ही आपको बार बार निमोनिया हो रहा है, भले ही आपको गर्म और ठंडा दोनों मिक्स हो रहा है, क्योंकि आप कहा ना पहले शुरुआत में कि जब आप दवाइयाँ ज़्यादा खाते हैं, निमोनिया की जितनी भी दवाइयाँ आएंगी ना मित्रों, कफ शमन करने वाली आएंगी, तो सारी सारी गर्म होती हैं, और ऐसी स्थिति में यदि आप कुछ चीज़ें पालन नहीं करते हैं, स्वास्थ्य नियम का पालन विशेषकर नहीं करते हैं, पेट साफ आदि ना होने की स्थिति बन जाती है, तो ऐसी स्थिति में शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा बन जाती है, जो आपको कई बार साइड इफेक्ट दे जाती है। अब हम इसके कारणों की भी चर्चा कर लें, क्योंकि कारणों को जाने बिना, समझे बिना आप कभी भी किसी भी समस्या को जड़ से समाधान नहीं कर सकते। तो मित्रों, हम कारणों की बात करें, कारणों में सबसे जो बड़ा कारण हमने पाया है, पहला कारण हमने जो पाया, मौसम का परिवर्तन। कुछ लोग ऐसे
होते हैं जिनकी प्रकृति होती है कि जो मौसम बदला, सर्दी खांसी जुखाम बुखार, मतलब सर्दी कोई भी मौसम बदलता है साल में उनको 2 से 3 बार सर्दी खांसी जुखाम बुखार होता ही है। और ये जो स्थिति जिनकी बनती है ना मित्रों, आप देखिए उनको बार बार कफ की प्रॉब्लम होती है, तो मित्रों इसमें थोड़ा सा संक्रमण और बढ़ जाता है तो वही निमोनिया का रूप भी कभी कभी ले जाता है, जो कई बार समझ में सामान्यतः नहीं आता, पर हाँ यदि आप उसको समझेंगे तो पता चल जाता है, यदि रिपोर्ट निकाले तो जल्दी पता चल जाता है कि निमोनिया है। कौन सा निमोनिया हो ये पता चलेगा, पर रिपोर्ट में निमोनिया ये पता चल जाता है। अब उसके बाद मित्रों ये जो रोग है ये कफ का रोग है, और कफ के साथ ही वात का रोग तब बन जाता है जब किसी की प्रकृति वात मिश्रित कफ की हो। इसलिए मित्रों कफ जो है ना वो बचपन में बढ़ा हुआ होता है और वात जो है बुढ़ापे में बढ़ता है। इसलिए आप इस रोग को देखें तो ये बच्चों को ज्यादा होता है और बुढ़ापे में भी ज्यादा होता है। युवावस्था में रहने वाले लोगों को समस्या कम होती है और जिनकी पित्त की प्रकृति होती है उनको ये समस्या जल्दी नहीं होती है। हाँ जिनकी कफ की प्रकृति है तो उनको युवावस्था में भी ये समस्या कई बार घेर लेती है, यानी कि उनको निमोनिया हो जाता है। तो ये जो रोग है ये कफ और वात मिश्रित, यानी कि ठंडी हवा और ठंडक का रोग है, इसलिए ये बच्चों को और बूढ़ों को जल्दी होता है, तो ये ऐसी स्थिति में जल्दी पनप जाता है। उसके बाद मित्रों जो तीसरा जो बड़ा कारण है, शरीर यदि कमजोर हो, पोषण की कमी हो। अब ये पोषण की कमी और शरीर का कमजोर होना किसी भी कारण से हो सकता है, आपका धातु बहाना भी हो सकता है, भोजन में कमजोरी भी हो सकती है, कुछ लोग बच्चे होते हैं जो खाते पीते ही नहीं है ठीक से, तो ऐसी स्थिति में जो शरीर कमजोर रह जाता है तो उसमें कफ का भराव कई बार हो जाता है, बचपन से ही होता है, तो ऐसी स्थिति में भी निमोनिया की स्थिति बन जाती है, ये युवावस्था में फिर बनी रहती है तो समस्या हो जाती है। अब उसके अलावा मित्रों जो तीसरा बड़ा कारण, चौथा बड़ा कारण हमने पाया कि वायरल इन्फेक्शन जो होता है, जब वायरल इन्फेक्शन हो रहा है उसी में कोई बैक्टीरिया प्रभाव करके, कोई भी बैक्टीरिया माइक्रोप्लाज्म हो जा सकता है या कोई अन्य हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है या एस्पिरेशन भी हो सकता है, जो भी है वो सब साथ में जब मिल जाते हैं या कोई 2-3 भी मिल जाते हैं तो भी निमोनिया बनने की स्थिति बन जाती है। उसके अलावा मित्रों कभी किसी किसी को एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि धूल से, धुएं से एलर्जी होती है। अब ऐसी स्थिति में आपने एक चीज़ और देखी होगी कि लोगों की नाक से सांस भी नहीं चलती है। अब लोगों की नाक से जो सांस नहीं चलती आप ध्यान दीजिएगा, जब नाक से सांस चलती है ना तो आपकी जो नाक होती है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो अंदर का हिस्सा है ना, गले के पीछे का हिस्सा, मतलब जो अंदर को कह सकते हैं, वो हिस्सा इतना गर्म होता है, पहले आप नोटिस करिए यहाँ छोटे छोटे बाल होते हैं। उसके अलावा नाक में तरल पदार्थ होता है, यदि कोई कचरा नाक में जाने का प्रयास करता है, कोई भी वायरस बैक्टीरिया नाक में जाने का प्रयास करता है तो सबसे पहले बाल रोकते हैं, बाल नहीं रोक पाए तो चिपचिपा जो पदार्थ नाक में होता है ना, जिसे हम बाद में, आप नोटिस करिए आपने कहीं भी बाहर नहीं गए तो भी आप सुबह सुबह जब नाक साफ करते हैं तो आप देखिए नाक में थोड़ा जमा हुआ या लिक्विड कचरा निकलता है, तो मतलब वो वही सब चीज़ें भाग के निकाल देता है। और यदि उसके आगे भी निकल जाए, यानी कि यहाँ से भी आगे निकल जाए तो अंदर का जो टेम्परेचर है ना मित्रों उतना गर्म होता है, वो हमारे फेफड़ों के अनुकूल होता है, तो यदि नाक से सांस चलती हो तो वो सांस हमारे फेफड़ों में जाती है जो हमारे फेफड़ों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती। पर बहुत से लोग आज ऐसे हैं कि जो माहौल में हम रहते हैं, धूल धुआं मिट्टी जो होता है, जो पॉल्यूशन होता है, जो एसी वगैरह लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसके कारण से नाक में नसल पॉलिप्स या कोई नाक में जाम जैसी स्थिति बन जाती है तो नाक से सांस नहीं चल पाती है। तो ऐसी स्थिति में जब आप मुँह से सांस लेते हो ना तो जो कचरा है वो सीधा गले में जाके अटकता है, तो ऐसे लोगों की पहचान होती है मित्रों, इनको बार बार वायलन, ये गले में जो है ना जलन, चुभन, छाले, थायराइड और टॉन्सिल की समस्या बनी रहती है, तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि आपकी नाक से सांस नहीं चल रही है, तो आप जो मुंह से सांस लेते हैं तो सीधा आपके जो बैक्टीरिया वायरस गले में प्रभाव डालते हैं और वो हवा इतनी गर्म नहीं हो पाती, उतनी सही स्थिति में नहीं आती है, तो आपकी श्वास नली में जाकर आपके फेफड़ों को भी दूषित करती है, जिससे कई बार उस कारण से भी धूल धुआं और ये जो नाक से सांस नहीं चलती उसके कारण से भी कई बार निमोनिया बन जाता है। और ऐसी स्थिति में फंगल इन्फेक्शन और जो एलर्जी इन्फेक्शन है वो बहुत जल्दी हो जाता है, जो कई बार इसका कारण बन जाता है। उसके बाद मित्रों एक बहुत बड़ा हमने कारण पाया है कि जो लोग एसी में रहते हैं, कूलर में रहते हैं, ठंडी हवा में रहते हैं या पंखा तेज चलाते हैं और नाक में तेल वगैरह नहीं डालते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी नाक जाम हो जाती है, नाक से सांस नहीं चल पाता। आपने देखा होगा लोग ऐसे करके सोते हैं, जो ऐसे करते हैं ना, जो मुंह खुला रहता है, आप देखिए सोने में बहुत से लोगों का मुंह खुला रहता है, तो समझ लीजिए इनकी सांस नाक से चलती है और इनको कभी भी फेफड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है जो निमोनिया का रूप भी ले सकता है। उसके अलावा मित्रों एक बहुत बड़ा कारण और भी है जो ठंडा गर्म करना, कुछ लोग होते हैं खाने पीने में आदत बड़ी बेकार होती है उनकी, आइसक्रीम खाई उसके ऊपर चाय पियेंगे, चाय पी उसके बाद कुछ और ठंडा खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, मतलब ठंडा गर्म और खाना गर्म खाने खाते खाते बीच में फ्रिज का पानी पी लिया, ठंडा पानी पी लिया, तो ऐसी स्थिति में जो आप ठंडा गर्म करते हैं ये आपके बॉडी के सिस्टम को कमजोर बना
बनाता है और बॉडी का सिस्टम जहाँ कमजोर बनता है ये आपकी पाचन शक्ति को भी कमजोर करता है। जिसके कारण से मित्रों क्या होता है, जब आपकी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, आपका भोजन ठीक से पचता नहीं है, तो भोजन सड़ता है। अब सड़ता है भोजन तो उसका परिणाम क्या होता है मित्रों, यदि आपकी वात की प्रकृति है तो जोड़ों में यूरिक एसिड बनकर जम जाता है, वो हो जाता है, और यदि आपकी पित्त की प्रकृति है तो एसिड बनके ऊपर आता है और बॉडी में वो जलन चुभने वाले दाने दे देता है, और यदि आपके फेफड़े कफ की प्रकृति है तो ये आपको कफ के रूप में महसूस होता है, कफ के रूप में जाम हो जाता है। तो ये हमने आपको बताया, यदि आप ठंडा गर्म करते तो उससे जो कई बार कहते ना भोजन करते करते कुछ लोग पानी पीते जिनका भोजन ठीक से पचता नहीं है, और जो खान पान रहन सहन में गड़बड़ियाँ करते हैं कि बाहर की चीज़ें खाते, टीन फूड जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो आप भोजन करते हो ये जो भोजन आपका जल्दी पचता नहीं है, वो भोजन नहीं पचने से भी ये टॉक्सिन्स पैदा होते हैं जो आपको कफ की समस्या बढ़ा देते हैं। और एक गड़बड़ लोग करते हैं कि जब ये आप बाहर का खाना खाते हो इसमें आपको पोषण नहीं मिलता है, तो कुछ लोग इसके स्थान पर क्या करते हैं, कुछ टैबलेट्स जो कैल्शियम आयरन की कम पूर्ति के लिए जो खाने होते हैं वो खा लेते हैं, जिससे मित्रों कई बार उनकी शरीर को जरूरत नहीं होती है। आप यदि प्रॉपर खाना खाओ ना तो किसी भी केमिकल के हमारे शरीर को कोई जरूरत नहीं है, पर आप उस रूप में अपने शरीर में केमिकल देते हो जिसके कारण से कई बार इन्फेक्शन लग जाता है, और इन्फेक्शन जो अंग कमजोर होता है मित्रों उसमें लग जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, जो आपका खान पान बिगड़ा हुआ है, जो आपका रहन सहन बिगड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे शरीर को पता ही नहीं चलता कब मुझे क्या क्रिया करनी है, क्योंकि हम दिन को रात, रात को दिन बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब सोना चाहिए तब जगते, जो काम होना चाहिए बॉडी के अंदर वो नहीं हो पाता है, तो हमारा सिस्टम उससे डिस्टर्ब होता है, जो हमारे लिए समस्या का कारण कई बार बन जाता है, उसमें ये भी समस्या खड़ी हो जाती है। अब उसके अलावा मित्रों कुछ लोग होते हैं जब जगह परिवर्तन करते हैं, अब माना कि सर्दियों में आप कहीं ठंडी जगह पे घूमने चले गए या गर्मियों में घूमने चले गए, कभी भी आप ठंडी जगह पे घूमने चले गए वहाँ बहुत अच्छी वाली ठंडी है, और कुछ लोगों की आदत होती है ठंडी में ठंडी चीज़ें खाएंगे, गर्मी में गर्म चीज़ें खाएंगे, यानी कि वो लोग कहते हैं कभी कभी अरे गर्मी गर्मी को मारती है, ठंडी ठंडी को मारती है, तो जब ठंडी से ठंडी को मारने जाते हैं ना, तो ऐसी स्थिति में कुछ लोग आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो पी लेते हैं इसके कारण से भी कभी कभी जाम हो जाता है, और कभी स्थिति और बन जाती है, क्योंकि मेरे पिता के साथ ये हो गया था कि वो कुंभ का मेला स्नान करने गए थे, वो ये जो ये प्रयागराज वाला, तो वो उस समय उनको, वैसे हमेशा कई बार जाते, उस हर बार नहीं होता था, पर उस बार उनको उस समय निमोनिया बैठ गया था। वहीं मित्रों मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मेरे को बताया कि वो कहीं ठंडे प्रदेश में घूमने गए थे, वहाँ उनको आइसक्रीम खाने का मन किया, वही मैंने आपको बताया, तो उन्होंने वहाँ आइसक्रीम खा ली, अब उनको वो निमोनिया बैठ गया। मेरे को बोले प्रभा मेरे को निमोनिया हो गया, मैं क्या करूँ, मैं कहा क्या किया, तो उसने बताया कि भाई ऐसा ऐसा मैंने कर लिया, तो उसको बताया क्यों ऐसे काम करते हो, बोले अरे मुझे अच्छी लगती है, तो मैं कहा परिणाम भोगो, अब बोला परिणाम तो हो गया, अब समस्या समाधान बताओ इसका, तो मैंने उसको बताया भी क्या कर रहे हैं। तो मित्रों ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है कि आप जब जहाँ हैं वहाँ से आपका वातावरण एकदम बदलता है, ठंडे वातावरण में पहुंच जाते हैं, तो वहां भी कई बार आपको ये समस्या हो जाती है। इसलिए मित्रों आपको कुछ चीज़ संभालनी पड़ती थी, आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता कमजोर है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा फैक्टर जो हम गलतियां करते हैं ना उसका परिणाम होता है कि हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता जो है बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाती है, और ऐसी स्थिति में जब रोग प्रतिकारक क्षमता कमजोर होती है तो क्या होता है, हमारे फेफड़े कमजोर होते हैं, हमारा सारा तंत्र कमजोर होता है, तो ऐसी स्थिति में हम कई बार अपने आप में कमजोर पड़ जाते हैं, जिससे हमारे फेफड़े कमजोर होते हैं, और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि भाई हमारे फेफड़े लड़ नहीं पाते और उसमें इन्फेक्शन वगैरह बहुत जल्दी लागू हो जाता है। तो आशा आप इस बात को समझ रहे होंगे कि आपको इन्फेक्शन कैसे लग जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन लगता हुआ आप समझ नहीं पाएंगे तो आप इसका समाधान भी नहीं कर पाएंगे। तो मित्रों सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है जिसके कारण से फेफड़ों में इन्फेक्शन होता है, यानी कि आपकी नाक से सांस ना चलना, आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता कमजोर होना, और आपके अंदर का जो सिस्टम है, जो पेट का जो सिस्टम है वो सही ना होना, इसमें मुख्य कारण हम इनको मान सकते हैं, ये इसके मुख्य फैक्टर हैं। अब मित्रों इस समस्या के समाधान के लिए आपको सबसे पहले परहेज क्या करना है, क्या सावधानियां रखनी है वो पहले बता दूं, उसके बाद समाधान की प्रक्रिया भी मैं आपको पूरी विस्तार से बताऊंगी। तो सबसे पहले मित्रों यदि आपको निमोनिया है तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी और को आपका इन्फेक्शन ना लगे। तो आप जब खांसते हैं या छींकते हैं तो आप मुंह के सामने रुमाल या हाथ ऐसे रख के खांसें, ताकि आपके जो इन्फेक्शन कीटाणु हैं वो बाहर दूसरों को ना पहुंचे। और मित्रों एक सावधानी और बरतें, यदि आपको इस समस्या है तो आप कभी बड़ी जो हाँ पब्लिक ज़्यादा हो ऐसे प्लेस पे ना जाएं, बच्चे हैं तो बच्चों को स्कूल आदि ना भेजें, क्योंकि यदि आप ऐसी गलती करते हैं तो बच्चों को और बच्चों को भी इन्फेक्शन जल्दी लगेगा, और साथ ही आप जहाँ घूम रहे हो क्योंकि आपको भी धूल धुआं वहाँ का लगेगा, प्लस आपका इन्फेक्शन भी औरों को लगेगा, जिससे बीमारी बढ़ती है कम नहीं होती है। इसलिए आपको अपना बचाव भी करना है और औरों का बचाव भी करना है, तो आपको अभी घूमने वगैरह बाहर नहीं जाना है, आप अपने घर में सुरक्षित रहें, और हाँ घर में विशेषकर गंदगी ना हो इसका ध्यान रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है ना घर में
गंदगी बनी रहती है, जो स्मेल वगैरह आती है उसमें भी घर में भी स्थिति बन जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपकी समस्या बढ़ जाती है। तो आप घर में अपने साफ सफाई रखें ताकि आपको समस्या कम हो। अब मित्रों, जो कफ के रोग जो होते हैं ना, वो मीठा, नमक और खट्टा, ये चीज़ें खाने से होते हैं, और इसके अलावा घी और तेल वाली चीज़ें भी इसमें शामिल हो जाती हैं। और मित्रों, मीठे के नाम पे आप यदि प्राकृतिक मीठा खाते तो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करता, लेकिन कभी कभी जो है ना चीनी ज़्यादा खा लेते हैं, या चीनी की बनी हुई चीज़ें, चॉकलेट है, आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक में भी थोड़ा बहुत मीठा होता ही है। उसके अलावा जो भी चीज़ें आप बाहर की खाते हैं जिसमें आप रेडीमेड चीनी वाली आती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, सारी की सारी आपकी कफ को बढ़ाने वाली हैं। वहीं मित्रों, जो बाहर की चीज़ें आती हैं जिसमें नमक बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, यानी कि नमक नॉर्मल भी वहाँ ज़्यादा ही पड़ता है क्योंकि तभी मसालों के टेस्ट उभर के आते हैं, तो वो नमक थोड़ा ज़्यादा होता है। और कुछ लोग होते हैं जिनकी आदत होती है ऊपर से नमक भुरका के खाते हैं, तो ये गलतियाँ बिल्कुल ना करें, ये आपके लिए हानिकारक है। वहीं मित्रों, जो समुद्री नमक होता है ना, वो आपके लिए हानिकारक है, तो आपको अधिकांश सेंधा नमक या काला नमक का सेवन करना चाहिए, जो आपके लिए अच्छा है, और उसको भी अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि अधिक मात्रा में अति हर चीज़ की बुरी होती, इसको आपको समझना होगा। वही मित्रों, जो खट्टी चीज़ें होती है ना, खट्टी चीज़ें कफ कारक होती है, पर मित्रों खट्टी चीज़ें जो है विटामिन सी से भरपूर होती हैं, तो ये आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता को भी बढ़ाती हैं, लेकिन यदि आप इसको सही समय पे नहीं लेते हैं तो ये आपको नुकसान कर जाती है। अब जैसे खट्टी चीज़ें आपको खानी, आपको संतरे का रस पीना है, यदि आप संतरे का रस दिन में 10 से 4 के बीच में पिएंगे ना, तो ये आपको काफ़ी अच्छा गुण करेगा, लेकिन यदि आप सुबह सुबह 6-7 बजे पी लो, या रात को 9 बजे पी लो, 8 बजे पियो, सूर्यास्त के बाद पियो, तो ये आपको कफ कारक हो जाएंगी। इसलिए मित्रों, हम कई बार क्या गलती करते हैं, हमें कोई चीज़ लेनी होती है तो हम कभी भी ले लेते हैं, जिसके कारण से हमें कई बार समस्या हो जाती है। तो खट्टी चीज़ों से आपको बचना है, आपको नींबू का प्रयोग करना है तो दिन में करिए, रात को मत करिए। अब हम आपको बताएंगे नींबू शहद का प्रयोग आपको रात को भी करेंगे, पर हाँ, जब औषधि के रूप में आप कोई चीज़ लेते हैं ना, थोड़ी मात्रा में होती है तो नुकसान नहीं करती है, यदि आप वही चीज़ अधिक मात्रा में लेते हैं, जैसे आप रात को दाल खा रहे हैं, अब दाल में नींबू निचोड़ के खा रहे हैं, तो ये आपको सूजन दे जाएगी, टमाटर वाली दाल खा रहे हैं, ये आपको सूजन दे जाएगी, आपको गड़बड़ कर जाएगी, तो ऐसी चीज़ें आप सेवन ना करें, ये आपके लिए हानिकारक है। वही मित्रों, जो घी है, घी भी कफ को बढ़ाता है, घी है, दूध है, दही, ये सब कफ को बढ़ाते हैं, लेकिन हम आपको जो तरीका बताएंगे कि उस तरीके से आप दूध लेंगे तो कफ को नहीं बढ़ाएगा, वो कफ का शमन भी करेगा। तो हमें कुछ चीज़ें समझनी होती है कि हम प्रॉपर तरीके से जब लेते हैं तो कोई समस्या नहीं होती है। अब यदि आप दूध ले रहे हैं और दूध का मिल्क शेक बना के ले रहे हैं, तो समझ लीजिए ये आपको नुकसान करने वाला है। तो ये हमें तरीका सही समझ में नहीं आता, पता नहीं होता, तो हम गड़बड़ कर लेते हैं। और कई बार हम कहते हैं अरे दूध तो कफ बढ़ाता है, हाँ कफ बढ़ाता है, लेकिन आप कैसे ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये हम आपको सारी चीज़ें विस्तार से बता देंगे। अच्छा, उसके अलावा मित्रों, आपको बनावटी रंग जैसे कि फूड कलर आते हैं ना, उनका इस्तेमाल नहीं करना, डेयरी उत्पाद का इस्तेमाल नहीं करना। उसके अलावा जो बलगम बनाते हैं, जैसे कि जितनी भी सफ़ेद चीज़ें हैं, जो भी सफ़ेद चीज़ें, वो सारी की सारी कफकारी होती हैं, सफ़ेद और चिकनी चीज़ें, जैसे केला है, फलों में केला है, उसके अलावा ये सीताफल है, ये जो है ये कफ वर्धक होते हैं मित्रों, तो ये आप ना लें, ये आपके लिए कफ बढ़ाने वाली चीज़ें। मैं बहुत सरलता से आपको बता रही हूँ, क्योंकि कफ कैसा रूप है उससे जो मिलती जुलती चीज़ें वो सारी की सारी कफ बढ़ाने वाली होंगी। चावल है, आप चावल खाएंगे तो भी कफ बढ़ेगा, तो आपको चावल नहीं खाना है, तो आप चावल अवॉइड करेंगे। उसके बाद मित्रों, आपको जो नहीं करना है, धूम्रपान निषेध है, धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना है। उसके अलावा कोई भी नशा, चाय, कॉफ़ी, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा, चरस, गांजा, जो, क्योंकि कई लोग ये भी नशा करते हैं, तो ये सारे के सारे नशे आपको अवॉइड करें, क्योंकि यदि आप नशा करते हैं तो आप अपने अंदर की जो आपका जो सिस्टम है ना, उसको सुलाने का काम करते हैं, उसको बिगाड़ने का काम करते हैं, जिससे आपको समस्या का समाधान जल्दी नहीं मिलता, तो आपको इन सब चीज़ों से अपने आप का बचाव करना है। ये हमने आपको बता दिया कि आपको परहेज किन चीज़ों से करना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बात और बता दूं मित्रों, आपके फेफड़े गड़बड़ हैं, यदि आप जांच करना चाहते हो, तो हमारे हाथों में ये जो है ना, ये जो हिस्सा होता है ना, ये गोला है, ये इसके अंदर का जो ये जो हिस्सा है, ये फेफड़ों का पॉइंट होता है, तो आप इसको ये दबाते रहिए, इसको दबाते दबाते आगे वीडियो सुनिए, ताकि आपको आगे समाधान भी मिलता जाए। तो आप इसको ऐसे दबाएंगे, ये आपके फेफड़ों का पॉइंट है मित्रों, आपको ये दर्द होगा, दर्द होगा तो कोई बात नहीं, दर्द होने दीजिए, इतना दर्द दीजिए कि आप सहन कर पाएं। आप ऐसे दबाइए, मैं तो ऐसे आपको दिखाने के लिए दबा रही थी, वरना आपको ऐसे पकड़ के दबाना है। आप दोनों हाथ में दबा सकते हैं, ये पॉइंट दोनों हाथ में होते हैं, तो आप ऐसे करके दबा सकते हैं। तो आप ये दबाते रहिए और मेरा वीडियो सुनते रहिए, और हो सके तो नाक में तेल लगा लीजिए, क्योंकि मैं अभी आगे बताने वाली हूँ। अब आपको समाधान के लिए जो करना है, वो जीवन शैली कैसी अपनानी, पहले वो बता दूं, क्योंकि आपकी जीवन शैली सही होगी तो ही आप अपने आप को ठीक कर पाएंगे। मित्रों, सबसे पहले आपको समझना है कि आपको जो नुकसान कर रहा है वो हवा नुकसान कर रही है, तो आपको
कपड़े पूरे पहनने, यानी कि हाथों में पूरे कपड़े हों, पैरों पैर भी पूरे ढके हों, ऐसे कपड़े पहनिए जिससे आपको कम से कम हवा लगे। सर को भी ढक के रखिए ताकि आपको हवा कम लगे, और जो हवा आपको लगे सांस तो हवा में ही लेंगे, उसके अलावा सांस नहीं ले पाएंगे। तो सांस लेते समय भी आपको एक ध्यान रखना है कि आप नॉर्मली आपको जो स्वास्थ्य नियम का पालन करें, मैं आपको बता दूँ कि आपको नाक में, कान में, नाभि में, क्योंकि हमारे जो ये पॉइंट खुले होते हैं ना, इनसे भी कई बार हवा हमारे अंदर जाती है जो हमारे सर में दर्द दे जाती है, कभी कभी फेफड़ों को भी कमज़ोर बनाती है। तो आपको क्या करना है, नाक में, कान में, नाभि में रोज दिन में 2 से 4 बार, मिनिमम 2 बार और मैक्सिमम आप 4 से 6 बार भी डाल सकते हैं, आपकी नाक से सांस चलनी चाहिए। तो आप नाक में तेल डालिए, मैं आपको 4 बार ही बताऊंगी, क्योंकि आपको इन्फेक्शन है फेफड़ों में और आपको निमोनिया है, तो आप 4 बार बना लीजिए इसका डोज। और यदि 4 बार आप नहीं डाल सकते हैं, बाहर जा रहे हैं कहीं, आपको मतलब निमोनिया तो है पर आप बाहर नहीं जाना चाहिए, पर फिर भी मजबूरी है जाना पड़ रहा है, तो आप बाहर जाते हैं तो एक डब्बी साथ में रखिए जिसमें आप तेल रखें, तो आप लगा लें। अब ये कैसे करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मित्रों हमने एक प्लेलिस्ट दी है, डोंट और डू पे हमने 2 प्लेलिस्ट अलग अलग दी हैं। डोंट में हमने बताया, डोंट यानी कि कभी मत करना रोगों के कारण, उसमें हमने जो जो नहीं करना वो सारी बातें बताई हैं, और डू को आप समझ लेंगे तो स्वास्थ्य नियम है मित्रों, स्वास्थ्य नियम का आपको पूरा पालन करें, जिसमें हमने बताया कि नाक में तेल क्यों डालना, कैसे डालना, क्या सावधानी रखनी। यदि आप उसका पूरा पालन करते हैं ना मित्रों, इससे क्या हुआ, आपकी धीरे 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 नाक से सांस चलने लग जाएगी, आपके फेफड़े वहीं खुलने लग जाएंगे। और ये चिंता मत करिएगा कि नाक में तेल डालेंगे फेफड़ों में जाएगा तो और जाम कर देगा, बिल्कुल नहीं करेगा। नाक में तेल डालेंगे, नाक, आँख, कान, मुंह, कहीं भी कुछ भी डालो ना मित्रों, वो सब गले में आता है, और गले से वो बराबर, गले को पता है कि लिक्विड है तो उसको पेट में भेजना है और हवा है तो उसको फेफड़ों में भेजना है, वो बराबर डिवाइड कर देता है, उसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस जब आप नाक में घी या तेल जो भी डालेंगे उस समय आपको बोलना नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो आपको श्वास नली में और कई बार फंस जाता है तो खांसी दे जाता है, तो इससे आपको बचना होगा कि आप बोले नहीं उस समय, थोड़ी देर शांति से लेटे रहें, उसके बाद आप उठ के अपना काम कर सकते हैं, 10 मिनट आपको लेटे रहना, उसके बाद काम कर सकते हैं। उसके अलावा मित्रों, जो मैंने कहा था कि आपका पेट साफ ना होने से भी समस्या होती है, तो पेट साफ नहीं तो आपको पानी सही मात्रा में, सही तरीके से, स्थिति में पीना, जिससे आपका पेट साफ होने लगे। और भोजन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सारा स्वास्थ्य नियम हमने पथ्य के रूप में बताया, आप भोजन का पालन करते हैं तो आपको पेट साफ होने में और शरीर में जो टॉक्सिन्स बन गए ना उसको निकालने में आपकी पूरी की पूरी सहायता आप कर पाएंगे, और आप अपने बॉडी को स्वच्छ बना पाएंगे, जिससे आपके फेफड़े भी मजबूत होंगे और साफ हो जाएंगे। तो मित्रों, स्वास्थ्य नियम का पालन आपको पूरा करना है, वो सारी वीडियो आपको देखने होंगे, क्योंकि आप पहले कई बार समाधान करने का प्रयास कर चुके हैं, आपने छोटे छोटे बहुत सारी वीडियोज देख लें, पालन करने की कोशिश कर लिया पर आपको समाधान नहीं मिला। मित्रों, ये जो आप पालन करेंगे तो आपको स्थायी जड़ से समाधान मिलेगा, मैं दूसरी बार ये बात बता रही हूँ ताकि आप इसका पूरा पालन कर सकें। अब उसके अलावा मित्रों आपको क्या करना है, जब ये स्वास्थ्य नियम का पालन करेंगे उसके बाद आपको प्राणायाम भी करना है। प्राणायाम के लिए आपने नाक में तेल डाल लिया, उसके बाद आपको जो बैठना है ना मित्रों, एकदम सीधा बैठना है। जब आप सीधा बैठना शुरू करेंगे, ऐसे ना बैठा जाए, संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट अगली हमने दी है, उसमें मैंने आपको बताया कि आपको कैसे सीधा बैठना है। आप सहारा लेके सीधा बैठिए, ना बैठा जाए तो आप लेट के भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लेट के करिए तो भी उसमें आपको आराम मिलेगा। और धीरे धीरे जब आप करना शुरू करेंगे, आपको जो आराम मिलेगा, आप देखेंगे कि आपके धीरे धीरे फेफड़े खुलते जा रहे हैं, आपकी सांस पहले से आसान होती जा रही है, और आप जैसे जैसे सांस लेने लग जाएंगे वैसे वैसे आपका प्राणायाम भी मजबूती से हो जाएगा। आपको प्राणायाम कौन कौन से करें, भस्त्रिका करें, अनुलोम विलोम करें, कपाल भाती भी आप कर सकते हैं, पर गर्मी बढ़ी है शरीर में, यदि गर्म महसूस हो रहा है तो कपाल भाती आप ना करें। और उसके अलावा भ्रामरी, उद्गीत, उज्झाई, और आपको उज्झाई विशेष करना है, क्योंकि गले में जो इन्फेक्शन वगैरह होता है ना उसके लिए उज्झाई प्राणायाम बहुत अच्छा होता है, और यदि आपको टेंशन वगैरह तो उसके लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है। तो आप ये सारे प्राणायाम करेंगे, ये आपको काफ़ी लाभ देंगे। और हाँ, यदि गर्मी बढ़ी हुई है तो आप चंद्रभेदी प्राणायाम ना करें, क्योंकि आपको ये निमोनिया भी है ना, और आप सूर्यभेदी प्राणायाम कर सकते हैं, वो भी हमने संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट में बता रखा है, तो आप इस अनुसार सारे प्राणायाम करेंगे। उसके बाद आपको जो मुद्रा करनी है, आप ध्यान दीजिए, यदि कफ की मात्रा ज्यादा और गर्मी नहीं है तो आप ये सूर्य मुद्रा लगा सकते हैं, ये आपके लिए काफी अच्छा है। वीकनेस महसूस हो तो आप शक्ति मुद्रा लगा सकते हैं, प्राण मुद्रा लगा सकते हैं, इसको प्राण या शक्ति मुद्रा कहते हैं। और उसके अलावा मित्रों आपको बता दूं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, शरीर ठंडा पड़ रहा है, तो आप ये लिंग मुद्रा लगा लीजिए। और ये सारे मुद्रा पर विस्तार से वीडियो हमने आगे मुद्रा प्लेलिस्ट में दे रखे हैं, आप वो देख के पालन कर सकते हैं। उसके अलावा मित्रों हमने कुछ आसन भी दिए हैं, जिसमें एक मत्स्यासन है, जिसमें हम लेट के मत्स्यासन करते हो, फेफड़ों को बहुत अच्छे से खोल देता है। यदि आप मत्स्यासन करते हैं ना मित्रों, ये आपके फेफड़ों के लिए बहुत उपयोगी है, आप उसको जरूर करिए। उसका अभ्यास आप लगातार आधा घंटा भी कर सकते हैं। कैसे करना है, हमने आसन प्लेलिस्ट में उस पर विस्तार से वीडियो दिया। हम इतने सारे वीडियो देखने को इसलिए कर रहे हैं मित्रों, ताकि आप
अपने आप को जल्दी ठीक कर सकें। ये आपकी अपनी जिम्मेदारी, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, आप लंबे समय से परेशान है तो आपको इतने वीडियो देखने में समस्या नहीं होनी चाहिए, ताकि आप अपना पूरा समाधान बिना किसी दवा के, बिना किसी खर्चे के कर सकते हैं। हम आपको वो तरीका बता रहे हैं। अब मित्रों, आगे हमने भोजन कैसे बनाना उस पर भी वीडियो दी, क्योंकि भोजन बनाने का तरीका जो गलत होता है ना, उसमें भी हमारा पाचन प्रणाली गड़बड़ हो जाती है, तो वो भी आप देख सकते हैं। एक बार सारा डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे ना, आपको बहुत सारे आपके काम के वीडियोज मिलेंगे, जिसको फॉलो करके आप अपने जीवन को खाली निमोनिया से नहीं, और भी किसी को कोई रोग है उससे भी आप मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि हमारा उद्देश्य है दवा मुक्त भारत तभी बनेगा जब हम अपनी छोटी छोटी बातों को समझेंगे और उसको ठीक करेंगे। अब आगे और बता दो मित्रों, ये हमने आपको बता दिया कि आपको स्वास्थ्य नियम का पालन कैसे करना, प्राणायाम और आसन मुद्रा कैसे करें वो बता दिया। अब आप भाप ले सकते हैं। भाप में आपको क्या ध्यान रखना है, यदि आपके शरीर में गर्मी बढ़ जाती है तो आप सिर्फ सादा पानी का भाप लेंगे, उसमें भी आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा। यदि आपको भाप लेते समय गले में इन्फेक्शन जैसा लग रहा है, गला पक रहा है, तो आप भाप मत लीजिए, भाप आपके लिए नहीं है। पर जिनको कफ की ही मात्र प्रॉब्लम है, उनको क्या करना है, इसी भाप के पानी में जो भाप लेंगे ना, उसमें आप इतना टुकड़ा अदरक का डाल लीजिए, मतलब एक डेढ़ लीटर जितना पानी ले लीजिए, उसमें इतना टुकड़ा अदरक का डाल दीजिए और मुट्ठी भर तुलसी डाल दीजिए, और दो तीन बूंदे आप उसमें अमृतधारा पतंजलि में धारा के नाम से आपको मिल जाएगा, वो डाल दीजिए। और उसके अलावा आप अजवाइन भी डाल सकते हैं और ये पुदीना डाल सकते हैं। ये जो आप डालेंगे ना, इसका आप भाप लेंगे, मुंह ढक के भाप लेंगे, भाप आप आंखें बंद करके लेंगे। आंखें खोलने से कभी कभी आंखों में जलन हो जाती है, क्योंकि जो अदरक है ना, अदरक है ये थोड़ा अमृतधारा है, थोड़ा जलन दे जाता है। तो आंखें बंद करके आप भाप लेंगे, जिससे आपकी धीरे धीरे सांस खुल जाएगी, आपकी सांस ठीक से आने लग जाएगी। दिन में 2 से 3 बार आप भाप ले सकते हैं, आपको समस्या नहीं आएगी। उसके बाद मित्रों, आपको सूर्य स्नान करना है। यदि आप सर्दी के मौसम में, तो सूर्य स्नान यानी कि सूर्य की रोशनी में आपको बैठना है। आप नाक में और कान में तेल या घी डाल के और लगा के बैठिए, जिससे आपको सांस अच्छे से आए। और आप यदि सूर्य स्नान करते तो ये जो सूर्य की ऊर्जा है ना, जो गर्मी है, ये आपकी बॉडी में जो ठंडक आ रही है उसको भी गर्म देगी, गर्माहट बदलेगी, और साथ ही आपको ऊर्जा प्रदान करेगी, जो आपको जीवनी शक्ति देगी। क्योंकि हमारे शरीर में जब जीवनी शक्ति कम हो जाती है तो समस्या बढ़ जाती है। उसके बाद मित्रों, एक काम और कर सकते हैं, छाती, पीठ, गला, सर, माथा, ये जो है ना, ये जो हिस्से हैं, आप सर में भी मालिश कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि आपको इन हिस्सों में सरसों का तेल ले सकते हैं, नारियल नहीं सरसों का, तिल का, अरंडी का और देशी गाय का घी। भैंस का घी यहाँ नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि देशी गाय के घी में सोना होता है ऐसा कहा जाता है, और उसमें आप निकालें तो निकलता भी है, वो वैज्ञानिक तरीके से निकाला जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चारों में से कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, इसको गुनगुना करिए। गुनगुना करके आप इसको छाती पे लगा सकते हैं, और इसमें चाहें तो आप थोड़ा सा एक दो बूंद अमृत धारा भी मिला सकते हैं, वो आपको ज़्यादा असर करेगा। पर यदि अमृत धारा आप इसमें मिलाते हैं तो आप उसके बाद हवा में नहीं जाएंगे, उसके ऊपर हवा नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अमृत धारा लगाने के बाद थोड़ा सा अंदर ठंडक जैसा महसूस होता है, तो ऐसी स्थिति में आपको ठंडक खींच लेगा। तो जब आप ये चीज़ें लगाएंगे, अमृत धारा डाल के लगाएंगे, तो आप हवा में बिल्कुल नहीं जाएंगे और अपने आप को हवा से बचाएंगे, था उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो आप ढक्के, मुंह ढक्के नहीं, पर हाँ इतना ढक्के सो जाइए ताकि आपको सांस आती रहे, और आप पंखे से दूर रहें, एसी कूलर से दूर रहें, क्योंकि एसी कूलर की हवा भी आपकी इस समस्या को बढ़ने में बहुत बड़ा कारण होती है। अब आपको क्या और करना है मित्रों, रात्रि भोजन आपको हल्का सुपा चलेना है, हो सके सुबह जल्दी उठ जाए, क्योंकि आप जो आलस करते हैं, देर तक सोते हैं, वो आपकी समस्या का कारण है। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे प्रयास करिए कि आप सुबह 5 बजे उठ सके, क्योंकि 5 बजे उठने से आपका पेट अच्छे से साफ हो जाता है, जो आपको निरोगी बनाने में आपकी सहायता करेगा। उसके बाद आप सुबह जो भोजन लेंगे, सुबह का भोजन आपको बता दूं, आप कोई भी चीज़ का, कोई भी सब्जी है उसको उबाल लीजिए, उसका गर्म गर्म सूप आप पी सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा है। आप चाहें तो करीब 9-10-11 बजे के आसपास संतरे का रस भी पी सकते हैं, करीब 150-200 ml थोड़ा 1-2 संतरे का रस आप पीजिए, ये आपके विटामिन सी में आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाएगा। उसके अलावा सुबह सुबह जो खाली पेट आप एक जूस ले सकते हैं, जूस आपको बता दूं, गाजर है, पालक है, चुकंदर, खीरा, करेला, कुटकी, चिरायता, गिलोय, नीम, और उसके अलावा आपको बता दूं आंवला, इनका आप रस पी सकते हैं। आंवला मित्रों खट्टा होता है, लेकिन आंवला को अमृत फल कहा जाता है, और ये हर चीज़ में लाभकारी होता है, इसलिए आंवले में बहुत सारे दोष नहीं लगते हैं। तो इसको आप खाली पेट सुबह सुबह ले सकते हैं, ये कोई भी रस आप लीजिए, सारे मिला के भी ले सकते हैं, कुछ जो मिल जाए वो भी ले सकते हैं, ये रस आपको काफ़ी अच्छा काम करेंगे, आपकी जो रोग प्रतिकारक क्षमता है ना उसको विकसित करेंगे, जिससे आपको निमोनिया से लड़ने में आपकी पूरी सहायता मिलेगी। और मित्रों, जो कफ के रोग हैं, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, नमक, मीठा और खट्टा खाने से होते हैं, तो वहीं कड़वा, कसैला और
तीखा खाने से दूर भी होते हैं। पर तीखे का मतलब ये नहीं कि आप लाल मिर्च हरी मिर्च भर भर के खाएं, ये आपको एसिड बढ़ा देगा जो आपको दूसरी विकार दे देगा। तो आपको सावधानी क्या रखनी है कि आपको एक लिमिट में थोड़ी मात्रा में जो आपको एसिड ना बढ़ जाए इतनी मात्रा में ही मिर्ची का सेवन करना होता है। और मिर्ची के नाम पर जो आपको सेवन करना है ना मित्रों, वो आपको तीन चीज़ें लेनी है, काली मिर्च, सौंठ और पिपली। ये तीनों भूख बढ़ाने वाली भी हैं, आपकी भूख को भी बढ़ाती हैं और ये आपके कफ का भी शमन करेंगी। तो आप इनको संभाग ले लीजिए, काली मिर्च, सौंठ और पिपली संभाग ले लीजिए। पिपली छोटी बड़ी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ले लीजिए। तो इसको संभाग मिला के आप इसका चूर्ण बना के रख लीजिए। आप इसको मिर्ची की जगह प्रयोग कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा काम करता है। अब हम आपको बताते हैं होम रेमेडीज़ में आपको क्या क्या आप कर सकते हैं। मित्रों सबसे पहले आपको बता दूँ, गर्म दूध हल्दी का सेवन आप कर सकते हैं। गर्म दूध आपको कैसे करना है, एक दूध जो आपको लेना है मित्रों, बकरी का नहीं जाए तो अच्छा है, नहीं तो गाय का ले लीजिए और नहीं तो भैंस का ले लीजिए, चलेगा। पर हाँ, टोंड मिल्क नहीं चलेगा, जिसमें घी निकला वो मलाई निकल गई वो दूध नहीं चलेगा, आपके फ्रिज का रखा हुआ दूध नहीं चलेगा। आप जो दूध लाएंगे उसको एक ही बार गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद उस जो बर्तन है आपका ग्लास है, जैसे ये ग्लास है, इसमें पहले आप हल्दी डाल देंगे, उसके ऊपर इसमें खोलता हुआ दूध डाल देंगे और उस ग्लास को ऐसे ही रख देंगे, और ऐसे ही रख के जब बाद में वो पापे पीने योग्य हो जाए उसको आप पी सकते हैं। इसमें आप मीठे के नाम पे क्या लेंगे, आप साथ में गुड़ लीजिए, गुड़ उसमें मिलाना नहीं है, ध्यान रखना है गुड़ मिलाना नहीं है। आप गुड़ काटते जाइए, दूध पीते जाइए, गुड़ काटते जाइए, दूध पीते जाइए, ये आपके कफ को निकालने में आपकी पूरी सहायता करेगा। अब जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बताया था, दूध कफ करता है, लेकिन ये गुनगुने से गर्म दूध है ये कफ नहीं बढ़ाएगा, और हल्दी वाला दूध है ये कफ नहीं बढ़ाएगा, ये आपके कफ का शमन करेगा। वहीं दूध में एक प्रयोग हम और बताते हैं मित्रों, लहसुन आपको क्या करना है, एक ग्लास, जैसे ये ग्लास है इतना ही भर, इसमें थोड़ा सा कम ले लिए, 300 ml का ग्लास है, 200 ml जितना आपने दूध ले लिया, 200 ml उसमें पानी मिलाइए और उसमें 4 से 6 कलियाँ ये लहसुन की कूच के डाल दीजिए, और ये आपको लहसुन उसमें पकाना है। अभी जब पानी पानी जल जाए, धीमे आंच पे पकाइए, पानी पानी जल जाए, दूध दूध बच जाए, ये आप दिन में सुबह शाम 2 बार ले सकते हैं, ये आपकी कफ को निमोनिया को शमन करने में आपकी पूरी सहायता करेगा। उसके बाद मित्रों आपको आधी चम्मच हल्दी, चौथाई चम्मच काली मिर्च आप ले सकते हैं, इसको गुनगुने जल के साथ आप सेवन कर सकते हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन ये आप सेवन करने में एक बात और ध्यान रखें, यदि आपको वात की समस्या ज़्यादा है तो इसमें आप थोड़ा घी भी मिला सकते हैं, तो आपको ये वात के शमन में भी आपकी सहायता करेगा। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें रोगों को ठीक करना है, ना कि एक समस्या को समाधान करने के साथ दूसरी समस्या बढ़ा लेनी है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं। उसके बाद मित्रों काली मिर्च और तुलसी के पत्ते मिला लीजिए, उसमें काली मिर्च पीस लीजिए, ये आप ऐसे जो कूटने वाली आती है ना उसमें पीस लेंगे, ऐसे वो भी चटनी जैसा बन जाता है, इसका भी आप सेवन करेंगे, ये भी आपका कफ का शमन करती है। इसमें आप चाहें तो पुदीना की पत्तियां भी मिला सकते हैं, वो आपके लिए अच्छी है। उसके अलावा मित्रों पुदीना की पत्ती की और उसमें दालचीनी मिलाकर इसकी काली मिर्च और दालचीनी मिलाकर उसकी चाय बना लीजिए। ये चाय आप थोड़ा गुनगुनी रह जाए, गर्म नहीं गुनगुनी रह जाए, इसमें आप शहद डाल के पी सकते हैं। पर आपको यहाँ मैं एक बहुत बड़ी सावधानी बता रही हूँ, शहद नॉर्मली गर्म चीज़ों में नहीं लिया जाता है, लेकिन शहद जो है कफ का शमन भी करता है। इसलिए यदि आपको लग रहा है कि आप शहद ले रहे हैं गुनगुने में और ये आपको नुकसान करेगी, आपको वीकनेस जैसी आ रही है, तो बिल्कुल आप गर्म चीज़ में शहद नहीं लेंगे। एक दिन लेके देखिए, 2 दिन लेके देखिए, पर 5 दिन से ज़्यादा आप किसी भी गर्म चीज़ में शहद नहीं लेंगे, उसके आगे ये आपको नुकसान कर सकता है। तो 5 दिन लेके देखिए, उसमें भी यदि आपको जल्दी लग रहा है कि वीकनेस आ रही है तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि शहद और गर्म पानी गर्म चीज़ में शहद नुकसान करता है। इसलिए हम आपको बिल्कुल भी ये गर्म चीज़ के साथ शहद नहीं बताते हैं। पर आप कफ काटता है, मोटापे को भी काटता है, तो आप तब तक ले सकते हैं जब तक वो आपको नुकसान करने की शुरुआत ना करे, जहाँ लगे गड़बड़ करे स्टॉप ब्लॉक कर दीजिए, उसके बाद मत लीजिए। उसके अलावा मित्रों पुदीना है, दालचीनी है, तेजपत्ता है, अदरक, हल्दी, अजवाइन, इनकी आप चाय अलग अलग बना के भी पी सकते हैं। इसमें आप क्या करें, इसमें हल्का सा बूरा डाल लें या गुड़ डाल लें, देसी गुड़ जो आता है ना, देसी गुड़ डालें, ब्राउन कलर का, सफ़ेद गुड़ आपको इस्तेमाल नहीं करना, वो डाल के आप इसका काढ़ा भी बना सकते हैं, इसका चाय जैसा बना सकते हैं। इसमें दूध मत डालिए, ऐसे आप पीजिए, ये बड़ा टेस्टी लगता है। कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, उसको मीठा बनाएंगे, बड़ा टेस्टी लगेगा। उसके अलावा मित्रों अदरक है, सॉरी गाजर का रस, काली मिर्च और शहद, इनको आप मिला के भी ले सकते हैं। शहद आपकी स्वाद के अनुसार, इसमें गाजर आप करीब 200 से 250 ml गाजर का रस ले लीजिए। उसके बाद उसमें क्या करना है, आपको 4 से 5 काली मिर्च का चूर्ण पीस के डाल देना है और उसमें थोड़ा सा शहद मिला लीजिए अपने स्वाद अनुसार, तो उसको आप लेंगे, ये भी आपके कफ का शमन करेगा। उसके बाद मित्रों मेथी दाना, अदरक और लहसुन, काली मिर्च, इन चारों को मिला लीजिए। इसमें थोड़ा थोड़ा सब चीज़ें लेनी है, जैसे कि मेथी दाना है करीब 1 चम्मच ले ली, उसमें अदरक और लहसुन आप थोड़ा, लहसुन 2-3 कलियाँ ले ली और ये
काली मिर्च है वो दो से तीन दाने ले लिए, ये आप डाल के इसको आप उबालेंगे, इसका काढ़ा बनाना है। अब मित्रों जो हमने चाय बताई है ना, चाय क्या होती है ना, आपका जितना होता है, जैसे कि हमने मतलब इतना ग्लास पानी लिया है तो चाय इतना उबला तो चाय बन जाती है, मतलब इतने से इतने पे चाय बन जाती है। जो काढ़ा बनता है वो आधा, कम से कम आधे में बनता है, आधा या एक तिहाई रह जाता है, उसको काढ़ा कहते हैं। तो आप इसका काढ़ा बनाएंगे और इसको ठंडा होने पर इसमें थोड़ी सी ठंडा यानी कि हल्का सा, मतलब ठंडा एकदम रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए, हल्का सा गुनगुना रहेगा, गुनगुने से भी कम रह जाएगा, तो उसमें आप शहद मिला के पीजिए, ये आपके कफ का शमन करेगा, आपके लिए अच्छा है। उसके बाद मित्रों तिल का काढ़ा नमक के साथ भी आप ले सकते हैं, तिल को ऐसे ही काढ़ा बना लीजिए, अलग से बनाना है, इसका भी आप तिल ले लीजिए 1 से 1.5 चम्मच, उसमें एक ग्लास में ले लीजिए और वो आधा रह जाए तो उसमें आप नमक मिला के ले सकते हैं, ये भी आपके कफ को ठीक करेगा। उसके अलावा मित्रों एक बहुत अच्छा प्रयोग हम बताते हैं, लौंग और इलायची। लौंग इलायची आपको क्या करना है, तवे पे डालिए। लौंग इलायची पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये भोजन, जो भोजन नहीं, सरल घरेलू उपचार जो है ना, सफल घरेलू उपचार, उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, लौंग इलायची आपको लेनी है और उसमें क्या करना है, लौंग इलायची आपको तवे पे डाल के जला देनी है। तवे पे आपके पास छोटा सा कोई कटोरी लोहे का हो, लोहे का बर्तन हो ज़्यादा अच्छा है, उसमें डाल के आप उसको जला दीजिए, अच्छे से जला दीजिए, एकदम काला हो जाएगा। उसके बाद उसको पीस दीजिए, जो घर में आता है ना वो कुंडी सोटा, उसमें पीस दीजिए, और मिक्सर में नहीं पीसना है क्योंकि ज़्यादा होता नहीं, थोड़ा सा तो मिक्सर में ठीक से पीसता नहीं है, तो आप 6-8 का बना लीजिए, क्योंकि आप 2 से 3 दिन खाएंगे उसमें काफ़ी आराम हो जाएगा। और ये ज़्यादा दिन आपको नहीं लेना, 3 से 4 दिन आप लीजिए, 5वें दिन इसको मत लीजिए लौंग इलायची को, क्योंकि ये उसके बाद थोड़ा गर्म ज़्यादा पड़ जाती है, तो आप ना लें, तो 3 से 4 दिन आप ले लीजिए, समस्या नहीं है। तो 2 से 2 लौंग, 2 इलायची सुबह शाम आप ले सकते हैं, तो ये आप ले लीजिए, इसको आपको पीस देना है, और पीसने के बाद इसको शहद मिला के आप चाटेंगे, बहुत अच्छा खांसी को शांत करने वाली चीज़ है, ये खांसी को शांत करता है, तो इसके लिए अच्छा है। उसके अलावा नींबू शहद एक प्रयोग हम बताते हैं मित्रों, नींबू शहद, अदरक शहद, हल्दी शहद, या शहद जितनी भी कसैली चीज़ें हैं, खट्टी चीज़ें हैं, जो मतलब जिनका रस निकालते हैं, थोड़ा सा रस निकलता है, उसमें शहद डाल के आप लेते हैं ना, तो ये आपका कफ सिरप बन जाता है, पर इसमें खट्टी चीज़ों की मात्रा कम रहेगी, जिससे हमने कहा नींबू का रस रहेगा कितना, 1/3 नींबू का रस और 2/3 उसमें शहद मिलाया जाएगा, तो ये आप जब लेंगे ये भी आपके कफ का शमन करता है। अब आपको बता दूं इसकी मात्रा क्या रहेगी, 15 से 20 बूंद आप हाईएस्ट नींबू का रस लेंगे, जो बड़े व्यक्ति हैं, वरना बच्चों को है तो जितने साल का बच्चा है उतने बूंद नींबू का रस, उसमें आधा चम्मच शहद मिला दीजिए, ये बच्चे के लिए हो गया। और वहीं बड़े हैं तो 15 से 20 बूंद, क्योंकि 15 से 20 साल में हाइट पूरी हो जाती है, तो 15 से 20 बूंद नींबू का रस, उसमें उससे दुगना शहद मिला दीजिए। इसका बड़े लोग तो कफ सिरप बना के भी रख सकते हैं, उसमें प्रमाण वही बन जाता है कि 1 भाग नींबू का रस, उसमें 2 भाग शहद मिला लिया, ये आपका कफ सिरप बन गया, इसको आप पीजिए। और यदि इसमें पानी वानी नहीं लगाना, इसको कांच के ट्रांसपेरेंट बर्तन में बना के रखेंगे, इसको मैं भी सरल सफल घरेलू चिकित्सा में आपको वीडियो में दे दूंगी, ताकि आपको समझने में सरल हो जाए, तो ये आप प्रयोग करेंगे, ये आपको काफी अच्छा कफ समाधान करेगा, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा मित्रों आपको जो खाना पान अपनाना, खान पान उसमें मौसमी सब्जियां, जिस मौसम में आप चल रहे हैं, जिस देश में आप रहते हैं, जिस प्रांत में आप रहते हैं, वह जो भी मौसम के अनुसार सब्जियां उपलब्ध हैं, उस कोई भी सब्जी का आप सेवन करिए। उसमें ध्यान ये रखना है कि जो सब्जियां आप ले रहे हैं उसको ठीक से धो लीजिए, साफ कर लीजिए, उसके बाद उसको उबालना है, उसका सूप बनाना है, आपको सूप ज्यादा काम करेगा। ये अभी आप जो भोजन लेंगे ना मित्रों, हल्का सुपाच्य भोजन लेंगे, ताकि वो जल्दी पच जाए और आपको समस्या ना हो, क्योंकि जब आप भोजन पचाने में ज्यादा समय लगा देंगे ना, तो क्या होगा, आपकी जो एनर्जी है भोजन पचाने में जाएगी, आपके शरीर को स्वस्थ करने में वो एनर्जी नहीं लग पाएगी, तो आपको ठीक होने में ज्यादा समय लग जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद मित्रों हमने पहले आपको बता दिया काली मिर्च, सौंठ और पिपली, ये चूर्ण आप किसी भी चीज में डाल के ले सकते हैं, पर ध्यान ये रखना है, यदि आप कोई चूर्ण खा रहे हैं, आप दिन में 2 से 5 ग्राम ये ले सकते हैं, उससे ज्यादा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो यदि आपको लगता है शरीर में गर्मी बढ़ रही है तो इसकी मात्रा कम कर दीजिए, अब आपके लिए ये उचित नहीं है। हाँ, आप जो भी सूप बनाते हैं उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं, जीरा पाउडर, सौंफ का पाउडर, धनिया पाउडर, और उसके अलावा थोड़ा अजवाइन पीस के भी, यदि आपको स्वाद अच्छा लगे तो डाल सकते हैं, थोड़ा हींग डाल सकते हैं, ये सब आप उसमें मिला के इसका बड़ा टेस्टी, किसी भी सब्जी का सूप बड़ा टेस्टी बन जाता है, तो आप उसका सेवन कर सकते हैं। अब उसके अलावा मित्रों आप मालिश कर सकते हैं, जी हाँ, मालिश जो है ना, मालिश जो है हमारे शरीर के कफों को निकालने में सहायता करती है, कहीं भी कफ उसमें निकालने में सहायता करती है, और आयुर्वेद जो पंचकर्म कहा जाता है उसमें वमन क्रिया जो है वो इसकी सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा मानी जाती है, इसलिए आप वमन करके भी अपने कफ को निकाल सकते हैं। पर हाँ, वमन क्रिया के लिए आपको एक प्रयोग हम बता देते हैं, एक ये रीठा आता है, रीठा जिसे हम बाल धोते ना, वो रीठा पंसार की दुकान पे आप जाएंगे, बोलेंगे रीठा चाहिए बाल धोने वाला, ऐसे गोल गोल आता है, इतना सा आता है, वो आप ले आइए, और उसमें आपको क्या करना है, रीठे की अंदर की गुठली नहीं लेनी है, ऊपर का छिलका ही खाली लेना है, और उसमें आपको क्या करना है, 2 दाने
दो दाने आपको पीस के काली मिर्च के मिलाने हैं और ये करीब 50 ml पानी में आप इसको उबालिए। एकदम धीमी गैस पे आपको उबालना है और उसमें करीब 5 से 7 ml बच जाए, ध्यान रखिएगा 5 से 7 ml बच जाए, उस पानी को आपको जो काढ़ा बन गया ना उसको आपको नाक में डालना है। मित्रों ये यदि आपका बीपी की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, आपका शरीर ज़्यादा कमज़ोर है, आपका मन कमज़ोर है, तो बिल्कुल भी ये प्रयोग आपके करने योग्य नहीं है, क्योंकि यदि आप ये प्रयोग करते हैं तो इससे कभी कभी घबराहट ज़्यादा हो जाती है तो लोगों को समस्या हो जाती है। ये वैसे प्रयोग बहुत अच्छा है, ये कफ को निकालने में बहुत अच्छी सहायता करता है, पर हाँ ये कभी कभी ऑपरेशन जैसा भी दर्द दे जाता है, इसलिए हम इसको बहुत सावधानी पूर्वक बताते हैं कि भाई आप यदि मजबूत हैं, आप सहन कर सके तो ही लें, अन्यथा ना लें। उसके अलावा मित्रों आप एक काम और कर सकते हैं, जायफल है, तुलसी है, लौंग है, इसको आप यदि पत्थर पे घिस लेंगे, लौंग घिसी नहीं जाती तो आप लौंग पीस भी सकते हैं, पर जायफल है और तुलसी भी पीस सकते हैं, वो कुंडी सोटा में पीसेंगे तो ज़्यादा अच्छा पीस जाएगा। और इसका लेप आप छाती पे, पीठ पे, नाक पे भी लगा सकते हैं, गले में भी लगा सकते हैं, जिससे आपको सांस लेने में आसानी होगी, ये आपको काफ़ी अच्छा काम करेगा। और इसके ऊपर आप चाहें तो ये सूख जाए, हवा ना लगने दे, उससे ऐसे ही सूखने दे, उसके बाद इसके ऊपर से आप जो हमने पहले शुरुआत में तेल वगैरह लगाना बताया था ना, तेल की जो कहा गुनगुना करके लगाना है उसके ऊपर लगा दीजिए, तो ये बहुत अच्छा काम करता है, ये आपके कफ के शमन में बहुत अच्छा काम करेगा। तो मित्रों हमने आपको सारी सावधानियाँ बताई हैं, सारे प्रयोग बताएं, सारे उपचार बताएं जो आप करके अपने निमोनिया को घर में ठीक कर सकते हैं। और मित्रों यदि आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं निमोनिया के लिए तो आप एक बात ध्यान रखिए, आप उसका डोज पूरा कर लीजिए, अधूरा ना छोड़े, क्योंकि अधूरा छोड़ने से कभी कभी समस्याएं दूसरी हो जाती है और मन में एक बार डिफॉल्ट रह जाता है कि भाई हमने अधूरा छोड़ दिया, पूरा कर लेते तो समाधान हो जाता। अब उसके अलावा मित्रों एक बात और बता दूं कि आप डिस्क्रिप्शन में एक बार पूरा चेक करिए, आपको हमने बहुत सारे रोगों पर दवा मुक्ति वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट में वीडियो दिए, ये वीडियो हमारी प्लेलिस्ट वायरस के प्रभाव का हिस्सा बनेगा। और आगे हमने लास्ट में इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक दिया है जहाँ आप हमें फॉलो कर सकते हैं, प्रश्न भी पूछ सकते हैं, और अंत में हमने अपना नंबर दिया है, नंबर अंत में इसलिए क्योंकि हमने हर रोग का समाधान आपको ऊपर वीडियो के निर्देशों में बता दिया है। और यदि अब आपको लगता है कि आपको कंसल्टेंसी करने से कुछ अलग समाधान मिलेगा तो आप हमसे कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं, पर कंसल्टेंसी की फीस होती है, हम दवाइयाँ नहीं बताते, इसलिए हमारी कंसल्टेंसी में समय लगता है, घंटे से डेढ़ घंटा का समय भी लग जाता है, तो उस अनुसार आपकी फीस होती है। तो आशा है आपको सभी निर्देश स्पष्ट हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे, और कोई प्रश्न तो कमेंट वीडियो पर भी आप कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।